शुक्रवार की सुबह साहिबगंज में गंगा नदी में एक जहाज के इम्बेलेंस होने से जहाज पर लोड 10 वोल्वो ट्रक में से 7 गंगा नदी में पलटकर डूब गए। इस घटना में ड्राइवर मोहम्मद सरफुद्दीन लापता है। लापता व्यक्ति की तलाश जारी है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गरम घाट के समीप हुई है। लापता ट्रक ड्राइवर मोहम्मद सरफुद्दीन धनबाद गोविंदपुर फुफवाडी गांव का रहने वाला है। प्रत्यक्षदर्शी ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि जहाज में लोड एक ट्रक का टायर फटने से जहाज का बैलेंस बिगड़ा और जहाज पर लोड 10 वोल्वो ट्रक में से एक कर 7 वोल्वो ट्रक नदी में डूब गए। सभी ट्रक दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के हैं जो गंगा पुल का निर्माण करा रही हैं। हालांकि कंपनी की ओर से केवल एक ट्रक के गंगा नदी में समाने की बात कही जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार गंगा पुल का निर्माण करा रही दिलीप बिल्डकॉन कंपनी की मालवाहक जहाज से उसी कंपनी की 10 वोल्वो ट्रक शुक्रवार की सुबह लगभग 8 बजे चिप्स लोडकर बिहार साइड पर पत्थर चिप्स ले जा रही थी। इसी दौरान जैसे ही जहाज पानी में 100 मीटर गई होगी, उसी दौरान एक ट्रक का टायर फटने से मालवाहक जहाज अनबैलेंस हो गई, जिससे उस पर सवार 10 ट्रकों में से एक कर 7 ट्रक गंगा नदी में गिरकर समा गए। 3 ट्रक जहाज पर ही पलट गए। घटना के बाद कंपनी के क्रेन के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की शुरुआत की गई। घटनास्थल पर तत्काल जिला प्रशासन की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी राहुल जी आनंद, जीएसडीपीओ राजेंद्र कुमार दुबे, मुफस्सिल थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। इसके बाद उपायुक्त रामनिवास यादव ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। मालवाहक जहाज से ट्रक डूबने के हादसा के बाद वहां मौजूद ट्रक ड्राइवरों में अफरातफरी का माहौल था। कंपनी के साइट इंचार्ज भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मालवाहक जहाज पर 4 वोल्वो ट्रक लोड था, जिसमें से एक ट्रक गंगा नदी में गिरा है। उन्होंने एक व्यक्ति के लापता होने की बात स्वीकार की है। मौके पर पहुंचे उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि उन्हें जो सूचना मिली है उसके अनुसार 4 से 5 ट्रक मालवाहक जहाज पर लोड थे। एक व्यक्ति लापता है जिसकी तलाश की जा रही है। राहत बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल निर्माण के दौरान शुक्रवार की सुबह मालवाहक जहाज के अनबैलेंस होने से जो हादसा हुआ है, वह यहां से पत्थर चिप्स ले जाने के दौरान जहाज के एक तरफ हो जाने से उस पर लोड 10 ट्रकों में से 7 ट्रक एक कर गंगा में डूब गए। घटनास्थल जिला मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। मालवाहक जहाज के जरिए निर्माणाधीन गंगा पुल का बिहार साइड में मटीरियल ढोने के लिए उपयोग किया जाता था। शुक्रवार की सुबह जो वोल्वो ट्रक उसमें लोड थे, उसमें साहिबगंज के पत्थर चिप्स लोड थे। साहिबगंज में इस तरह का हादसा पहले भी हो चुका है। गंगा नदी में मालवाहक जहाज के असंतुलित होने से एक दर्जन से ज्यादा ट्रक गंगा नदी में समा गए थे। उस समय गंगा नदी के जरिए पत्थर चिप्स लोड ट्रकों का आवागमन किया जाता था। इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों का क्या है कहना, कंपनी के तरफ से क्या है कहना और मौके पर पहुंचे उपायुक्त ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं रिपोर्ट। प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक, साहिबगंज। जहाज पलटी मारी, सब पानी में गिर गया। जहाज पलटी मारा है। अच्छा, तो कितने लोग आपके अंदर? ऐसे तो हम लोग एक अपना आदमी है, सफरुद्दीन नाम है। अच्छा, वही। कितना गाड़ी इस पर लोड था? सफरुद्दीन नाम से। कहाँ के? धनबाद। अच्छा, कितने गाड़ी लोड थे? धनबाद। भैया, कितना लोड था इसमें गाड़ी, आप लोग जब थे तो? गाड़ी वही 8-10 गो। हाँ, 10 गो। कितनी गाड़ी अंदर गई है पानी में? 7। सात हो गई है। आप लोगों ने देखा था? नहीं सर, हम लोग नाइट में थे। हम तो दिन आप थे गाड़ी पर, जहाज पर? नहीं थे। जहाज पर कौन लोग देखे? गाड़ी कितनी गाड़ियां थी, कितने डूबे हैं, कौन बता सकता है? इंचार्ज बताएंगे गाड़ी के। वो तो बता रहे कि एक ट्रक गया। नहीं, सात हो गया। सात गाड़ी, आपका गाड़ी था इसमें? आप भी थे? सात गाड़ी। विजय जी, ये सच सच बताइए, कितने गाड़ी उसमें गिरे हैं? 7 गाड़ी गिरे हैं। और ड्राइवर उसमें था, चढ़ा हुआ? सब में नहीं है ड्राइवर, सब ड्राइवर बच गया, एक ड्राइवर खाली। कौन गाड़ी में? गाड़ी नंबर? 8 बजे अपने लोडिंग के लिए जब जहाज खड़ा हुआ, लोडिंग करने के लिए ड्राइवर बढ़ा, उस दौरान कोई टायर फटने की सूचना मिली और 3 गाड़ी तो जहाज पे ही पलटी मार दिया। एक जहाज नीचे गया है जिसका ड्राइवर सफरुद्दीन अंसारी अभी तक लापता है। ड्राइवरों का कहना है कि 7 गाड़ियां गई है, इसमें कितनी सत्यता है? कोई सत्यता नहीं है। एक गाड़ी नीचे गई है, 3 गाड़ी जहाज पे पलटी। 4 लोगों के गायब होने की बात सामने आ रही है। एक की वो जो भी है, मेरा इम्प्लॉई है, ऑन रिकॉर्डेड इम्प्लॉई है और ऑन रिकॉर्डेड मैं बयान दे रहा हूँ। एक व्यक्ति है सफरुद्दीन अंसारी, ड्राइवर, जो लापता है।
तो क्या कुछ किया जा रहा है सर कि वो जो निकालने के लिए? अभी मैं रेस्क्यू करके सबको निकाल दूंगा। सात ट्रक डूबे, थोड़ी सी लापरवाही आपकी एजेंसी की लापरवाही सामने आई है कि विजिबिलिटी कम होने के बावजूद आपने लोडिंग शुरू किया, कोहरा के बीच में शुरू किया, 8 बजे लापरवाही सामने आ रही है। 8 बजे से पहले विजिबिलिटी कम थी, 8 बजे जिस समय घटना है उस समय विजिबिलिटी थी, उस दौरान हम यहाँ पे काम शुरू किए। सर ये घटना जो घटी है सर, ये कैसे घटी है, क्या ये लगभग सुबह 8 बजे आज जो फ्लोटर है उसके ऊपर ट्रक चढ़ाए जा रहे थे मालवाहक जहाज पे, और जहाज पे चढ़ाने के दौरान किसी ट्रक का टायर ब्रस्ट होने से मिसबैलेंस हुआ है। और मिसबैलेंस होने से जो बाकी ये टिल्ट कर गया है जहाज, तो बाकी उस पर जो ट्रक थे 4 या 5 जो भी थे उनमें से 3 तो ऊपर हैं, अभी ट्रक के ऊपर ही टिल्ट किया है। 1 या 2 जहाज जो ट्रक हैं जो गंगा में गिरे हैं, ज़्यादा डेप्थ नहीं है यहाँ पे, 10 मीटर से ज़्यादा डेप्थ नहीं है क्योंकि किनारे पे ही है, तो मिसबैलेंस होने से हुआ है। और जैसे पहले भी घटना हुई है, पहले भी ऐसे ही होता रहा है, पहले भी टायर बस्ट होने से ही घटना हुई थी। तो अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, अभी तक कोई आदमी मिसिंग, एक आदमी का बताया जा रहा है कि एक आदमी मिसिंग है। एक बार ट्रक जो जहाज पे है वो हट जाएंगे तो तुरंत हम उसको निकालने की कार्रवाई करें। कितने ट्रक गया सर इसे? अभी 2 या 3 हो सकते हैं जितना बताया जा रहा है।